आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। घने जंगलों में धधक रही थी शराब की भट्टियां। तीन को रंगे हाथों पकड़ा। जंगलों में 3 किलोमीटर पैदल चलकर की अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्रवाई। विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और विक्रय पर रोक लगाने के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में रविवार 5 नवंबर की शाम को आबकारी और वन विभाग के अमले ने संयुक्त कार्रवाई कर 4 लाख रुपए की सामग्री जब्त की। अवैध मदिरा के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत व्रत बड़वाहा में आबकारी व वन अमले के दल द्वारा संयुक्त रूप से रविवार देर शाम तक कार्रवाई की गई, जिसमें व्रत के ग्राम कुंडी सुलगांव और पलासिया के सुदूर जंगलों में और काड़गी नदी के किनारे 3 किलोमीटर पैदल चलकर दबिश दी। व्रत प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश गौर द्वारा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 7 प्रकरण पंजीबद्ध कर 3 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में अलग अलग स्थानों से 200 लीटर हाथ भट्टी मदिरा तथा 2500 किलोग्राम महुआ लहान और मदिरा निर्माण में प्रयुक्त सामग्री तथा 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई। बरामद मदिरा, महुआ लहान व सामग्री, मोटरसाइकिल का बाजार मूल्य लगभग 4 लाख रुपए। अवैध शराब माफियाओं द्वारा जंगलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस कार्रवाई में वन विभाग से डिप्टी रेंजर अरविंद सिंगर, गजानंद वास्केल, जितेंद्र ठाकुर तथा स्टाफ राजेंद्र जायसवाल, राजेंद्र रावत, राधेश्याम, रमेश सोलंकी, शिवशंकर व गोविंद का सराहनीय योगदान रहा। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट।